नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। तेजस्वी यादव ने लोगों के सामने किया बड़ा ऐलान, बीजेपी को 2024 में 2-3 सीट पर समेट देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू की आर पार की लड़ाई, ललन सिंह ने कुशवाहा पर बोला हमला, पूछा बात बनी या नहीं। मंत्री तेज प्रताप ने 2024 में विपक्ष के चेहरे पर दिया करारा जवाब। जीतन राम मांझी फिर बोले, मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता है सीएम। नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार, बोले रविशंकर प्रसाद। डीजीपी का संदेश, अब घर घर जाकर पुलिस सुनेगी लोगों की समस्या। पटना में मुखिया पति ने पार्किंग विवाद में 5 लोगों को मारी गोली। सुपौल में गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में कैदी ने निगला मोबाइल। अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोगों के सामने ही बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने बड़े मंच से कह दिया है कि अगर आप लोग का साथ रहा तो बीजेपी को 2024 में 2-3 सीट पर समेट देंगे। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लोग वोट लेंगे और गायब हो जाएंगे, लेकिन हम लोग बिहार में भाजपा को अच्छे से मजा चखा दिए हैं, इसीलिए भाजपा वाले छटपटा रहे हैं। अब 2024 में बिहार तय करेगा कि देश में किसका राज होगा। वहीं इसके पहले तेजस्वी ने अपने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पटना के मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने को लेकर रिव्यू और फॉलोअप मीटिंग की। बगावत पर उतरे जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आज से आर पार की लड़ाई शुरू कर दी। राजद से जदयू के गठबंधन और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने के नीतीश के ऐलान के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य भर के जदयू कार्यकर्ताओं को पटना बुलाया है। 2 दिनों तक उपेंद्र कुशवाहा जदयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आगे की रणनीति फाइनल करेंगे। उधर जदयू ने भी नेताओं के आने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों की बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा बड़ा फैसला ले सकते हैं। ललन सिंह ने कुशवाहा को लेकर एक बार फिर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा कि कुशवाहा की निगाहें कहीं और है और निशाना कहीं और साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हुई है, जबकि पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता ने कड़ी मेहनत से 72 लाख नए सदस्यों को पार्टी में जोड़ा, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि असल में उनको यह बताना चाहिए कि वह दिल्ली का जो बार बार यात्रा कर रहे हैं उसमें कुछ बात बना है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने साफ कर दिया कि कुशवाहा ने जो बैठक बुलाई है वह पार्टी की आधिकारिक बैठक नहीं है, बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को ही है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने 2024 में विपक्ष के चेहरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि समय आने दीजिए, आप सभी को पता चल जाएगा 2024 में भी महागठबंधन की सरकार होगी। हम सब एकजुट हैं और आने वाले चुनाव में महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बता दें आपको कि तेज प्रताप यादव पटना के चिड़ियाघर पहुंचे, जहां उन्होंने जेवरा कॉल का उद्घाटन किया और जानवरों को भी देखा। गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में बालू की खनन के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्रीय विधायक जीतन राम मांझी ने अनिश्चितकालीन धरना में शामिल हुए, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान मांझी ने फिर कह दिया कि मेरा बेटा सीएम क्यों नहीं बन सकता है। यहां तक मांझी ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ करने लगे और कहा कि आज उनकी ही देन है, हम सब कुछ है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार जहां रहेंगे वहीं वो भी रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का विश्वास हासिल है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से तो एक बिहार भी नहीं संभल रहा तो वह देश क्या संभालेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विदेशों में भी रोजगार पैदा करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सहित अन्य नेताओं को पहले यह देख और समझ लेना चाहिए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है।
बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर डीजीपी ने बिहार की जनता को बड़ा संदेश दिया है। डीजीपी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक से संपर्क करना है। इसको ध्यान में रखते हुए हम जन केंद्रित अभियान जन जन की ओर बढ़ते कदम शुरू कर रहे हैं। इसी दिशा में बिहार पुलिस बाइक रैली निकालेगी। इस रैली में राज्य के प्रत्येक थाना से मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी, जो राज्य के लगभग 46,000 गांवों और वार्डों में पहुंचेगी। इस कार्यक्रम के तहत आम जन से मिलकर संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, पुलिस के प्रति उनकी अपेक्षाओं को समझेंगे। पटना में पार्किंग विवाद में 5 लोगों को गोली मार दी गई। यह खौफनाक वारदात पटना सिटी के इलाके में हुई। इलाके के जेठुली गांव में पार्किंग से गाड़ी निकालने के विवाद को लेकर ताबड़तोड़ गोली चली। गोलीबारी में 5 लोगों को गोली लगी और इसमें 3 की मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व पंचायत प्रतिनिधि अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, तभी जेठुली के मुखिया पति सतीश यादव के ड्राइवर ने गाड़ी हटाने को कहा। इस दौरान मुखिया पति ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। बिहार के सीमावर्ती सुपौल जिला के इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर करोड़ों के अवैध गांजा के साथ एक गांजा तस्कर को एसएसपी जवानों ने गिरफ्तार किया। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात एसएसपी 45B बटालियन के जवानों ने गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद इलाके के 2 अलग अलग बॉर्डर आउट पोस्ट के जवानों ने करीब 800 किलोग्राम गांजा पकड़ा। इसकी जानकारी वीरपुर के एसएसपी 45वीं बटालियन के कमांडेंट आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। पकड़े गए गांजा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए में आकी गई है। गोपालगंज में पुलिस से बचने के लिए कैदी ने मोबाइल निगल लिया। जिले के चनावे मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी ने पुलिस से बचने के लिए अपने पास रखे मोबाइल को निगल लिया, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ गई। आनन फानन में उसे जेल कर्मियों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक्सरे में पता चला कि पेट के अंदर मोबाइल है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि कैदी नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।